अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हेल्दी फूड्स। वेलकम टू हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मजे का यमी चॉकलेट स्पॉन्ज केक। चॉकलेट स्पॉन्ज केक बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, जिसके लिए हमें चीजें चाहिए। 1 कप मेरे पास है पाउडर शुगर, ठीक है, 1 कप मैदा, 1/2 कप चॉकलेट पाउडर यानी कि कोको पाउडर, 4 अंडे, 1/2 कप मेल्टेड बटर, आप कुकिंग ऑयल या घी भी यूज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 1/2 टीस्पून यानी कि 1/2 टीस्पून हमारे पास है बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम एक छलनी लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम उसमें डाल देंगे, मैदा, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, ये सारी चीजें डाल के हम इसको छान लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी बाउल में मैंने 4 अंडे तोड़ लिए हैं। अब बीटर की हेल्प से हम इसको बीट करेंगे और फोम शेप में ले आएंगे। उधर दूसरी तरफ मैंने पतीला प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको तब तक बीट करेंगे जब तक फोम शेप में ये नहीं आ जाता, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी इसको हम बंद कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट इसको मैंने बीट किया है और आप देखें अंडे कैसे फोम शेप में आ गए हैं, ठीक है। अंडे आपने केक के लिए रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठीक है, फ्रिज वाले अंडे आपने यूज नहीं करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें 3 स्टेप्स में चीनी डालेंगे और बीट करते जाएंगे। एक स्टेप हो गया, बीट करेंगे, इसी तरह हम सारी चीनी डालते जाएंगे और बीट कर लेंगे 3 स्टेप्स में। ये देखिए जी आहिस्ता आहिस्ता हमने सारी चीनी डाल के यानी कि पाउडर शुगर डाल के बीट कर लिया है और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस फॉर्म में आना चाहिए। वनीला एसेंस डाल देंगे इसमें, मक्खन डाल देंगे और फिर इसको मैं 1 मिनट के लिए बीट करूंगी, ठीक है, ताकि ये मजीद क्रीम फॉर्म में आ जाए। ये देखिए जी कितना जबरदस्त हमारा बीट होके ये तैयार हुआ है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें थोड़े थोड़े करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे, इसी तरीके से सारा मिक्सचर हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जी कितना जबरदस्त हमारा मिक्स हुआ है, कोई लम्स नहीं है इसमें। दूसरी तरफ मैंने मोड लिया, व्हाइट पेपर लगा इसको ग्रीस करके। अगर आपके पास व्हाइट पेपर या बटर पेपर नहीं है तो आप खाली ऑयल लगा के मैदा भी इसमें डस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम अपना बैटर ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए जी मोल्ड में ट्रांसफर हो चुका है, इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और पतीले में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी इस तरीके से, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी 40 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए जी बिल्कुल क्लियर, इट मींस हमारा केक बेक हो चुका है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसकी साइड्स हम नाइफ की हेल्प से लूज कर लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो इजीली मोल्ड से बाहर आ जाए, ठीक है। चलें जी ये हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए
बटर पेपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिमूव करेंगे इसके ऊपर से। ये देखिए अभी केक है गरम थोड़ा सा, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना जबरदस्त बेक हुआ। ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा केक का स्पॉन्ज बना है। इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे जी इसकी कटिंग। वाव माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए वाव, आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें से स्टीम बाहर आ रही है। अभी केक गर्म है, ये देखिए आप इसका स्पॉन्ज चेक करें। वाव माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त हमारा स्पॉन्ज चॉकलेट केक बेक हुआ है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी वाव, कितना जबरदस्त हमारा स्पॉन्ज चॉकलेट केक बेक हुआ है। ये देखिए मैं आपको इधर से भी चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना जबरदस्त हमारा स्पॉन्ज चॉकलेट केक बेक हुआ है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और टेस्ट में बहुत ही जबरदस्त। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।